अटल विकास यात्रा रामानुजगंज पधारे जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व समस्त अतिथियों का कोटि कोटि अभिनंदन। विनीत भारतीय जनता पार्टी समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला बलरामपुर रामानुजगंज। उत्तर प्रदेश जनपद के मेरठ जिले में एसएसपी अखिलेश कुमार की कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सुरक्षा में घर में घुसकर हत्या व बदमाशों का ताबड़तोड़ गोलियों से तांडव करना, वहीं 14 महीनों से वांछित 50,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस के पहरे के बीच मेरठ में धावा बोला। आधी रात के बाद किए गए इस हमले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इनामी और उसके साथियों ने माँ बाप की हत्या के चश्मदीद गवाह पर हमला किया। इस हमले में चश्मदीद गवाह तो बाल बाल बच गया, लेकिन घर के नौकर को गोली लगने से मौत हो गई। साथ ही एक और बेटे को गोली मारकर घायल कर डाला। चश्मदीद को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी और वारदात के दौरान पुलिस का जवान सोता रहा। आपको बता दें कि 2009 में जब जानी गुर्जर एक डबल मर्डर के मामले में जेल में बंद था, सोनू के पिता धर्मपाल को जानी के भाई जोगेंद्र सिंह ने मार डाला। सोनू ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुलाई 2017 में जानी के पिता हेमपाल उर्फ पंपी और उनकी पत्नी को सरेआम हत्या कर दी थी। जानी एक मामले में 8 महीना पहले जेल से छूटा तो सोनू से उसका खतरा पैदा हो गया है। है पहले उनके पापा का कत्ल हुआ था, दबाव का लड़का हुआ था, फिर मम्मी पापा का कत्ल हुआ था और फिर अब हम पर अटैक हो गया। रात को 1:30 बजे सो रहे थे हम तो सब लोग, और उसके बाद गोलियां ना धुंध गोली चली हैं। अब उसमें सोनू तो था, सोनू ने तो गाली भी दी हैं और 4-5 लोग थे और गांव के थे वे भी। आज एक दो बाहर गाँव का उसमें जान बनी है, वो कुछ अंधेरा हो रहा था उसमें, क्रियल साफ नहीं हुआ। हाँ जी, हमारा एक गन्नर है वो था वहाँ, वो घर पे रह रहा था, लाइन से मिला हुआ था वो, लेकिन जैसे अचानक हुआ वो भी कुछ नहीं समझ पाए, इतने गोली गोली चली वो भी। रंजिश क्या है? रंजिश हमारी जी, तो उसने माँ बाप मार रखे हैं हमारे और हम उसमें घवा हैं, मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं और मैं उसमें खिलाफ गवाही करा रहा था उसकी। उसे कई बार धमकी भी आएंगे भाई साले पूरे परिवार को मार देंगे, नहीं तो फैंस लगा लो, फैंस लगा दबाव बना रहे। फैसले की भी प्रक्रिया चल रही थी, क्षेत्र कहते भाई फैंस लगा लो, उसमें भी बात वो चल रही थी। कुछ पैसे वैसे भी रखवाए उन्होंने फैसले के आपस में, बीच में बीच का आदमी पर रखे हुए हैं, लेकिन उसमें एक गवाही खिलाफ हो गई थी मेरे भैया की। हाँ जी, बस बाड़ली भैया ये जी, उसका पापा एक्सपायर हो गए थे पहले, मर्डर हो गया था, हमारे तावगढ़ का नाम आया था उसमें, हम बाहिक आया था और फिर हमारे मम्मी पापा मर गए थे, मर्डर हो गया था उसमें, उसका नाम है वो फरार चला है। सर पुलिस भी लग रही है, स्टेप वेस्टेप वगैरह लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा लोकल की पुलिस जो हमारी हैं थोड़ा ध्यान कम दे रहे थे कि हम कई बार चली गए, सुनवाई होनी रही थी। अब कोई राज कोई नेता वेता ठीक सा हो कोई तो थोड़ी प्रशासन पर सख्ता ही करें, लेकिन बस जो मतलब होना चाहिए था 50,000 के साथ कुछ हो नहीं रहा है। ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई कि उसकी घर भाभी उठाई जा या उसकी दादी या उसका कोई बच्चा चचा ठा कर पूछताछ करी जा। कहमे थे कई बार, हर बार कहमे थे, फ़ोन भी कहमे थे जी यहाँ लोकेशन मिल रही है, इनमें यार ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ नहीं बाहर रहे हो, यहाँ नहीं है, यह है वो है, यही वहाँ चलते रहे। थाना क्षेत्र में सोनू नामक युवक की हत्या हो गई, पूरा मामला क्या है? ये हस्तिनापुर थाना के अलीपुर मोहना में अभी आज रात में 2 बजे के लगभग एक हत्या हुई है। इसमें जो अलीपुर मोहना गाँव है इसमें दो परिवार हैं, एक सोनू गुर्जर का परिवार है, दूसरा जानी गुर्जर का परिवार है। इनमें आपस में रंजिश चल रही है। पहले जानी के भाई ने सोनू के पिता की हत्या की थी, फिर सोनू ने इसके माँ बाप दोनों की हत्या कर दी थी और इसी बात में इनकी रंजिश है। इनका कहना कि कल जानी के घर पे सोनू और उसके लोग आए और उन्होंने जानी की हत्या के इरादे से आए, लेकिन जानी छत पे सोया था, कूद के अपने को बचा लिया। उसका नौकर जो छत पे सोया था उसको गोली लगी राजा, वो उसकी डेथ हो गई। घटना कैसे हुई है और क्या है इसके सभी पहलुओं पे हम गहराई से जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अगर बात करें सोनू पे कोई नाम भी है? हाँ, सोनू जो आरोपी है उस पर पहले से भी उस हत्या के मामले में वांछित चल रहा है, जिससे 50,000 का इनाम भी है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। अटल विकास यात्रा रामानुजगंज पधारे जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व समस्त अतिथियों का कोटि कोटि अभिनंदन। विनीत भारतीय जनता पार्टी समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला बलरामपुर रामानुजगंज।